दाखिल हो जाना यहाँ पे अहराम पहन लेके, फिर मस्जिद के अंदर अपन दो रकात नफिल पढ़ लेके उम्र की नियत करके यहाँ से निकलना हराम की तरफ। देख सकते ये छे मस्जिद आयशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है जो है सो मस्जिद आयशा की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये अपन जो है सो टैक्सी लेकर जाना पड़ता जो है सो हराम से, यानी कि मक्का से अपने को मस्जिद आयशा को टैक्सी लेकर जाना पड़ेंगे। अगर आप लोगों जो है सो आप लोगों का पहला उम्रा रहता ना, जो है सो पहला उम्रा अपन इंडिया से जा रहे तो अपन मीकात आते ही अपना नियत बनने का रहता, अपन घर से ही अपन एहराम बन के निकलते। थोड़े लोग क्या होता बोलते तो फ्लाइट में भी इंतज़ाम रहता, फ़्लाइट के अंदर भी मीकात आया बोलकर मालूम होते ही एहराम बनते हैं। अभी पहला उम्रा अपना वैसा मुकम्मल हो जाता, पहला उम्रा के बाद फिर सेकंड उम्रा जो भी अपन मरहूमों के नाम पे अपने बड़े लोगों बुज़ुर्ग लोगों के नाम पे अपन जो है सो गुजर गए वाले रहते ना, मरहूमों के नाम से अपन उम्रा करना चाह रहे तो जो है सो अपन हराम शरीफ से यानी कि मक्का से फिर आयशा मस्जिद जाकर वहाँ पर अपन गुसल वे कर कर दो रकात नफिल अदा करने का रहता जो है सो मस्जिद आयशा के अंदर। मस्जिद आयशा कहाँ पर है वो तो मक्का सिटी से लेकर मस्जिद आयशा 5 किलोमीटर का दूरी पर है। अपन टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा यहाँ पर है। समझ में आ रही ना बात मेरी, तो 5 किलोमीटर का सफ़र अपन टैक्सी में जाना पड़ता, एक आदमी को 10 रियाल के हिसाब से लेते, 5 से 10 रियाल, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 5 से 10 रियाल के अंदर ही लेके जाते। अगर से काफ़ी वहाँ पे पब्लिक है, क्राउड ज़्यादा है, अगर से उम्रे के लिए हज के लिए बोले तो वो टाइम पे बढ़ सकता है, ऐसे ही बात नहीं है कि 5 से 10 ही एनी टाइम बोल के, कभी कभी रेट भी बढ़ जा सकता है। नॉर्मल डेज में तो कभी भी हो 5 से 10 रियाल के अंदर ही अपने को लेके जाते हैं। तो मस्जिद आयशा के अंदर वहाँ से अपन सेकंड उम्रा, थर्ड उम्रा, फोर्थ उम्रा, जितने अपने जितने भी मरहुमा हैं उनके नाम से अपन उम्रे करना चाह रहे तो मस्जिद आयशा जाकर ही हम एहराम बनने का रहता, एहराम बन के नियत बन लेके जो है सो दो रकात नफिल अदा करके फिर अपन हराम शरीफ पहुँचने का रहता। समझ गए ना बात को। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे अपन। आप लोग जो है सो सामने की तरफ देख रहे हैं ना, सुरंग, सुरंग में से गाड़ी जाने का रहता, एक से एक सुरंग है भाई। इधर पूरा पहाड़ी इलाका है ना, आप लोगों को तो मालूम ही है सऊदी अरब जो है सो पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ों के अंदर से ही जो है सो सुरंग बनाए, वो सुरंग के बीच में से ही गाड़ियाँ जाती है। देखिए आप लोग देख सकते हैं मंजर जो है सो बीच में से दिखा रहा हूँ ना, मैं टैक्सी में जा रही, अपनी ओन गाड़ी नहीं होती है, टैक्सी लेकर जा रही, ये सुरंग में से जाना रहता। अपने सुरंगों में भी लाइटिंग फैसिलिटी इतनी बेहतरीन है, अपन कन्फ्यूज़ नहीं होते, ज़बरदस्त मंजर है इधर आके देखने का रहता। चलिए अभी अपन सीधा आयशा मस्जिद पहुंचने के बाद आप लोगों को वहां की हिस्ट्री बताऊंगा। तो दोस्तों अपने को मक्का सिटी से ये आयशा मस्जिद 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसका सफ़र अपने को 10 से 15 के मिनट में पहुंच जाते अपन आयशा मस्जिद। दोस्तों आप अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग्स आने वाले हैं अपने चैनल पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे तक ज़रूर शेयर कर दीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स में। चलिए दोस्तों अभी अपन जो है सो आयशा मस्जिद पहुँचे हैं, आप लोग देख सकते हो अभी अपन टैक्सी से उतर रहे हैं, अभी आगे चलकर आप लोगों से बात करूँगा। ये जो है सो आयशा मस्जिद है, यहाँ से अपन पानी नहा के गुसल करके वजू वजू बना के यहाँ पर अपन एहराम बन के और जो है सो अपनी उम्रे की नियत कर ले कि दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ के निकलना है इधर से। देखो यहाँ का कुछ इस तरह से व्यू है। तो दबाई गया इधर, रैया ये है आयशा मस्जिद, देख रहे हैं ना आप लोग जो है सो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब वाशरूम से अपन यहाँ पे पानी ना के गुसल करके वजू बना लेके सीधा
मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना, यहाँ पे अहराम पहन लेके, फिर मस्जिद के अंदर अपन दो रकात नफिल पढ़ लेके उम्रे की नियत करके यहाँ से निकलना हराम की तरफ। देख सकते ये छे मस्जिद आयशा। और यहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने के लिए झूले वगैरह भी है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत कूल है इधर, धूप दबा के है मगर हवा तो चलते जा रही नान साहब, काफ़ी हवा भी है इधर। मेन स्टाइलेट से और ये जो है सो आपको जो सीधा स्ट्रेट नज़र आ रहा है उधर लेडीज़ का है, वुमेंस का। और ये मस्जिद है आयशा। ये जो है पीछे से रोड है, इधर से अपन एंट्री। क्या खूबसूरत मंजर है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं भी ज़रा पानी वीनी नहा लेके गुसल करके अभी वजू बना के नमाज़ पढ़ लेके आराम बनने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आराम बन लिया अपन, अभी मस्जिद के अंदर जाके अपन फिर जो है सब दो रकात नफिल पढ़ के नियत बांधना है, नियत बन के फिर वहाँ पर आराम पहुँचना है अपन। तो देखिए मस्जिद ये है, आप लोगों को दिखा से। तो मैं क्या बोल रहा था, वो तो दो रकात नफिल पढ़ने के बाद आप लोगों से फिर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों तो देख लिए ना मस्जिद आयशा यही है, देख लीजिए क्या खूबसूरत है, देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पर कुछ कबूतर, तो पहले अपन चलिए अभी दो रकात नफिल पढ़ लेंगे नियत बनने के बाद फिर आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, सब लोग अंदर जा रहे हैं नमाज के लिए, देख सकते हो आप। क्या खूबसूरत मंजर है, देखिए अभी अंदर वीडियो अलाउ करे तो निकालता हूँ, नहीं बोले तो बंद कर देता हूँ, पहले बता दो। इस तरह है, अभी अपन अंदर जाके दो रकात नफिल पढ़ने के बाद फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। अंदर का झूमर दिख रहा है ना आप लोग, माशाल्लाह बोलो, कमेंट में माशाल्लाह लिखिए। दोस्तों आप लोग ये खूबसूरत मंजर देख रहे ना, ये जो है सो मस्जिद आयशा का अंदर का व्यू है, आप लोग देख लीजिए अपने आँखों से
यहाँ पर आके देखने से बहुत सारा प्यारा मंजर देख सकते हैं आप। अपन फ़ोन में देखने से कुछ नहीं समझ में आता, मगर यहाँ पर आने से बेहतरीन लुक आप लोगों को दिखता है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से भी, आप लोगों के लिए भी दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों भी जल्द से जल्द इधर आइए, आप लोगों भी अपना उम्रा और हज करिए। अल्लाह ताला से यही दुआ है, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिए। चलिए दोस्तों, अभी अपन बाहर निकलते हैं, जोरगाल नफिल पल्टी और गांधी। अभी अपन बाहर चल के फिर बाहर का व्यू कुछ आप बाहर आ चुके हैं। ये जो है सो आप लोगों का बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो माशाल्लाह। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी मिली होगी, तो इस वीडियो से आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही व्लॉग्स अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आगे तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे रहते हैं, उन लोगों को भी ये इल्म मिलना ज़रूरी है। चलिए फिर नए व्लॉग में मुलाकात होंगी, जब तक के अल्लाह।